जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया है। मैं सुपर किंग डॉन हूँ। ये एक माफियागिरी पर आधारित स्टोरी है। इसमें किंग डॉन होता है जो पूरे देश में कब्जा करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, लेकिन इसको जो है शासन प्रशासन और पुलिस की बाखूबी से इस पर विजयश्री प्राप्त की गई और किंग डॉन का जो है खात्मा किया गया है। तो इसकी थीम ये है, मैं हूँ सुपर किंग डॉन, जो कि अब रिलीज इसका ऑडियो वीडियो आज रिलीज हो रहा है, ट्रेलर भी रिलीज हो रहा है और इंशाल्लाह 15 दिन में तकरीबन बनकर फिल्म तैयार है और ये रिलीज होने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। तो कौन सी कंपनी से ट्रेलर लॉन्च हो रहा है? आज ही शक्ति, आज शक्ति से इसका ट्रेलर ऑडियो वीडियो सरप्राइज जो है लॉन्च हो रहा है और इसके लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं जो मेरी फिल्म का ऑडियो वीडियो सेटेलाइट अपनी कंपनी से दादा श्री दुर्गा प्रसाद जी लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। मैं डॉक्टर एस जी गौतम इस फिल्म का निर्माता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक्टर हूँ, जो कि मैंने किंग डॉन की भूमिका मैंने निभाई है और मैंने बहुत कोशिश की है, पर्दे में शायद लोगों को मैं पसंद आऊँगा। इसके लिए मैं ऑडियंस का आभार प्रकट करूँगा, आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ जो मेरे इस फंक्शन में कार्यक्रम में आए हैं और आपने बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से इसको परफॉर्म किया है, हमारा साथ दिया है। इसके लिए हम आप लोगों को बारम्बार धन्यवाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर एंड थैंक यू। जैसे कि आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और इस सुपर किंग डॉन में आप लग रहा है, लेकिन वही डॉक्टर ज्वाला सिंह में आप एज ए हीरो फ्रंट को हीरो नजर आ रहे हैं जी, तो इसमें क्या करना चाहिए? हीरो और विलेन सब हर प्रकार करते हैं। एक्चुअली मैं आप जैसा कि अभी शायद सभी लोग जानते ना होंगे, आइए मैं डॉक्टर बेसिकली और मैं MBBS भी हूँ, MD भी हूँ, अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। तो हीरो बनना या सारे रोल परफॉर्म करना ये आदमी की फितरत, उसकी अपनी अभिलाषा, उसका अपना डेडिकेशन, समर्पण, बहुत कुछ उसके अंदर छिपा होता है। हमारा जो दिल दिमाग है, हमारी जो पर्सनालिटी है, जो ऊर्जा है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें छिपी होती हैं, लेकिन हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि कोशिश नहीं करता है। मैंने डॉक्टर के साथ साथ ये फिल्मी दुनिया में फिल्मी लोगों के साथ रहने का, सीखने का कुछ मैंने अपना जज्बा आप लोगों के सामने प्रेषित किया है और मैं समझता हूँ जैसे आज आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें हीरो लग रहे हैं, तो ये आप लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मुझे इस बात की बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि आज मुझे आप विलन से हीरो का तमगा दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऊर्जावान शक्ति का एक कार्य कर रहा है, इससे मैं और मेरे अंदर ऊर्जा आएगी और मैं कुछ भी काम करने में अच्छा कोई भी कार्य करने में मैं सक्षम हूँगा और मैं करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर क्षमता, मेरे अंदर कार्य करने की शक्ति, सोचने की सारी शक्तियाँ जब तक इंशाल्लाह माता पिता ईश्वर और आप सारे मित्र हमको प्रदान करते रहेंगे तो हम मैं कभी बैठूंगा नहीं और मैं करता रहूँगा। जिस तरीके से पानी का स्वभाव है बहता रहता, पानी हमेशा निर्मल और स्वच्छ और जो है दोष मुक्त रहता है, इसी तरीके से अगर मैं चलता रहूँगा तो हमेशा जो है कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, स्वस्थ रहूँगा और लोगों के लिए एक मिसाल मैं कायम करना चाहता हूँ कि उम्र हमेशा जो है कभी आड़े इंसान के कार्य में नहीं आती है और इंसान कोई भी कार्य अगर वो तन मन धन से कर सकता है तो उसको कोई बाधा कोई रोक नहीं सकता है और उसकी हमेशा ईश्वर सहायता करता है, मित्र सहायता करते हैं और सभी उसकी सहायता करते हैं। ये मेरी और फिल्म हमने बहुत अच्छा बनी, सब कुछ अच्छे हैं मिला जुला करके और बहुत उम्मीद है अपने दर्शकों से कि हमारी फिल्म जरूर देखेंगे और समाज को ध्यान में रखते हुए सिनेमा को बनाया गया है, लोगों को बेहद पसंद आए, हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए सिनेमा को मैं क्यों किया हूँ। बड़ी कंपनी रिलीज भी कर रहा है, आदिशक्ति है, देव है, दोनों लोग मिलकर रिलीज कर रहे हैं
आज मेरा ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, फर्स्ट मूवी लॉन्च हुआ। क्या और जो डॉक्टर ज्वाला सिंह है वह एक गरीबी स्टोरी से उठा हुआ है, एक गरीब किसान होता है, तो नेगेटिव करेक्टर करने वाले लोग भी पॉजिटिव कर सकते हैं, इस ध्यान में रखते हुए स्टोरी को बनाया गया है। और हमारे डॉक्टर साहब उस रोल को उस भूमिका को, बाकी मार्केट के लोग हैं, बाकी हीरो का चयन चल रहा है, जिसका डेट मिल जाएगा उसको साइन कर लिया जाएगा। मार्केट से ही सारे लोग रहेंगे, सारे लोग मार्केट के यहाँ काम करेंगे। और इसमें एक और चेहरा नजर आ रहा है सूरज, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, एक और इसमें हीरो नजर आ रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद जी अभी हमारे पवन, हाँ पवन उगता हुआ सूरज है, अच्छा लड़का, अच्छा एक्टिंग किया फिल्म में, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा और आगे कोशिश भी कर रहा अच्छा करने के लिए, अच्छा काम करेगा वो। आपने जो है इसमें हीरो की जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इंसान कुछ भी कर सकता है, तो ये कोई रुकावट कोई बंधे नहीं, इनसे भी कुछ पूछना है। हाँ पहले मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूँ कि मीडिया बंदों को सबसे ज्यादा, क्योंकि मीडिया जो है अर्थ से फर्श तक पहुंचाती है। और दूसरी चीज, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई बिग ब्रदर, क्योंकि इन्होंने जो फिल्म बनाई है मैं सुपर किंगडम हूँ, अब आप लोग देख ही रहे हैं। ट्रेलर जो है लॉन्च हुआ है, अपना लॉन्च हो रहा है, सारे लोगों ने देखा, लाइक किया, मुझे अच्छा लगा। मेरे पापा जो है एक मतलब मुझे खुद उम्मीद नहीं था कि जो है मैं इतनी अच्छी फिल्म कर लूँगा, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लूँगा, ये पापा का आशीर्वाद है। और मेरे बड़े भैया डायरेक्टर साहब दिलीप जान का आशीर्वाद है, मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने एक अच्छी सोच, एक नई सोच लेके आए कि इस फिल्म को ऑल फैमिली बैठ के देख सकती है। मजा आया मुझे इस फिल्म को करते हुए, इतना मजा आया। इसके पहले मैं दो फिल्म और कर चुका हूँ, भैया के साथ ही किया हूँ, उतना मजा नहीं आया। मेरे पापा मेरे पिताश्री ही प्रोड्यूसर थे एक फिल्म में, लेकिन उतना मजा नहीं है जितना इस फिल्म में मुझे मजा आया करने में। आई लव यू माई फादर। खुल के खेल फरुखावादी खेला आपने, खुला खेल फरुखावादी खेला इन्होंने। भोजपुरी में जिसको कहा जाता है, हम लोग की भाषा भोजपुरी नहीं है, लेकिन भोजपुरी से इतना प्यार है, इतना लगाव है कि हमारे पिताश्री जो है भोजपुरी जो होता, भोजपुरी गढ़ मऊ जिले में रह के पिताश्री ने लोगों की सेवा की है, अधिकारी भी रहे हैं। पिताश्री के सिखाने पे मैं भोजपुरी सीखा और इतना अच्छा काम किया कि आज पापा ने भी इतना अच्छा काम किया, मुझे मजा आ रहा है आज जो है कि मैं भोजपुरी फिल्म किया, इतनी अच्छी भोजपुरी मैं बोल सकता हूँ। शूटिंग से लेकर के अब तक उसके पहले बहुत मेहनत की है, बहुत भैया मेरे पता है बारिश को बारिश नहीं देखते थे, मेरे भैया ने इतना अच्छा मेहनत किया, इतना मेहनत किया है कि हम लोग खुद नहीं सोच सकते। मैं एज ए एक्टर मैं बोल रहा हूँ कि बड़े भाई मेरे जो है स्टोरी से लेकर सारी चीजों पे इतना नरेशन किया है कि मुझे इतना पसंद आया कि जितने लोगों को दिखाया हूँ आज तक किसी ने जो है ये नहीं किया कि ये गलत हुआ है, इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फिल्म बनी है, मेरे बड़े भाई ने नरेश किया है। इसके पहले कैमरामैन रह चुके हैं भाई, आज तक सर और बड़ी बड़ी फिल्में की है, कैमरामैन रह चुके हैं। मजा आया भैया के साथ काम करने में जी। दोनों पुलिस वाले रहते थे, पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन वहाँ पे पता है क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, आप जानते हैं दबंगों का शहर, दबंगों के शहर में हम अगर पुलिस, वहाँ पे पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है, तो हम लोग पुलिस वाले बन के नहीं, आम पब्लिक बन के जाते हैं और जाके पूरा वहाँ पे क्राइम को खत्म करते हैं। अंडरग्राउंड जो है शांतिपूर्वक एकदम घुस के और लोगों को, क्रिमिनलों को ऐसी की तैसी करके मैदान पे मार देते हैं। हमारे पिताश्री की इस सुपर किंगडम है,
वापस मुझे ये मजा आता है, पता है क्यों? लोग बोलते हैं ना बाप विलन बेटा हीरो, मुझे ये मजा आता है कि मैं पापा के साथ फाइट कर रहा हूँ। मुझे ये मजा, सुनिए ना, पता क्या होता है कि पापा के साथ फाइट कर रहा हूँ और पापा भी ये नहीं देखते एक्टिंग में कहाँ दिखता है कौन कौन बाप कौन बेटा है। पापा भी अपनी जोरदार फाइट करते हैं हम लोग के साथ। टेलर को दिखाओ ना, टेलर करवाओ जी। नमस्कार सबको, दर्शकों को मेरा प्रणाम है और सारे मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम है। मेरे पिताजी श्री को डाकू ज्वाला सिंह को चेहरा स्पष्ट है और मेरे बड़े भाई डायरेक्टर साहब को चेहरा स्पष्ट है क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी सोच की है। डाकू ज्वाला सिंह, आप लोग को शायद दिख रहा होगा पोस्टर में आप लोग को दिख रहा होगा डाकू ज्वाला सिंह कितने खतरनाक आदमी खतरनाक दिख रहे हैं। रियल में पता मोम है, रियल में मोम। मेरे पिताश्री पता इतने सॉफ्ट हैं कि मतलब 100 गलती मैं करता हूँ, मेरे पापा जो है डेली माफ करते हैं, लेकिन रियल फेस देख के कोई ये बोलता है पता है, इनसे लोग बात करने के लिए रहते हैं। एक इस फिल्म मेरे पापा ने कम से कम 2500 फिल्में की है, हिंदी भोजपुरी मिला के, अच्छी एक्टिंग, क्रूरता, प्यार, सारा किरदार कर चुके हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उनका बेटा हूँ, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं मेरे पापा। उस चीज को देखते हुए हम लोग डाकू ज्वाला सिंह का अलग किरदार है। डाकू ज्वाला सिंह पापा मेरे जो है एक हट के, एक जैसे लगे ना हट के, एक डाकू का जो है हीरोइन हमारी थी। इसमें तीन हीरोइन हैं जो एक डाकू ज्वाला सिंह की हैं। डाकू ज्वाला सिंह अपने आप में एक हीरो है। पहले ऐसी इंटरव्यू है कि हीरोइन जो है गांव में ही रहती है, हीरोइन गांव में ही रहती है। फिल्मों में कैसे कहानी नहीं? अच्छा हाँ, यही फिल्मों में ऐसी इंटरव्यू हुई है कि मैं जो है पता है मैं गांव में इंटरव्यू मारता हूँ। इंटरव्यू कैसे कास्टिंग कैसे मिला? सॉरी सॉरी, सुनिए कहानी नहीं जाना पब्लिक, क्या कहानी नहीं इसके आप अपने देख वेरी गुड। इसके पहले उन्होंने मेरे मैं सुपर किंग डॉन में इतना अच्छा काम किया, एक्टिंग किया, डांस किया, मुझे पसंद आया तो मैं बोला भाई अजय पापा से बोला कि मैं बड़ा हीरो नहीं रहना चाहिए। मेरे बड़े भाई डायरेक्टर से हो गया, इनके एक्टिंग से आप प्रभावित हो गए। मेरे पिताजी कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे अभी हम बाप बेटे बहुत खुल के रहते हैं। काम से प्रभावित हुए तभी मैं उनको कास्ट किया और बहुत अच्छा काम करती है, माइंड ब्लोइंग हीरोइन है भोजपुरी। मेरा नाम अंकिता है, भोजपुरी मैंने बहुत पहले किया, वैसे मैं बनारस की हूँ तो भोजपुर से ही हूँ, मेरी मातृभूमि है वो, तो इसीलिए उस फिल्म में काम करना मेरे लिए लाइक बहुत बड़ी बात है। और साथ में एक ये फिल्म, इन लोगों का जो भी है बिहेवियर ऐसा है जैसा कोई परिवार हो, कहीं भी मैं काम करके ऐसा सुकून होता है, जैसा लगता है कि कोई परिवार में जाके मैं काम कर रही हूँ, काम भी हो रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे एकदम फैमिलियर, तो इसीलिए मैं इनके साथ काम करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ज्वाला सिंह में डाकू ज्वाला सिंह, इसके बाद है समझी सेरा नेक्स्ट फिल्म। मेरा भाई काशी स्टूडियो का मालिक अभी बनारस में था, मुंबई में आ गया काशी स्टूडियो का मालिक प्रेम यादव, वो तो मेरे साथ सेकंड लीड कर रहा है और उसमें भी है मेरे साथ है। मेरे पिता सिर्फ उसमें मेन विलन है और लगातार जो हम लोग की सेरा संगीत से कई सारी फिल्में हैं हम लोग साथ में कर रहे हैं। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं प्रणाम करता हूँ, जैसे सारे लोगों को प्यार दिए हैं
खेसारी लाल, पवन सिंह, चाहे जितने भी स्टार हैं भोजपुरी में, तो मैं एक बार ये चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी और सादर प्रणाम है मेरा कि एक बार मेरी भी फिल्म देख के देखें, उनको जो पसंद है भाई, उनको जो फ्लेवर लगता है उनके ऊपर है, फिर वो हमारे माता पिता, जैसे हमारे माता पिता हमारे हमारे माँ बाप, ऑडियंस भी हमारे माता पिता है, फिल्म लाइन के लिए हमारे माता पिता है, माता पिता नहीं भगवान भी है, भगवान है मेरे, वो मुझे प्यार देते हैं। आइए तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार और हीरा लाल यादव की तरफ से सुपर किंग डॉन फिल्म हम लोग शूटिंग किए थे बस्ती में, बहुत अच्छा शूटिंग हुआ था और डायरेक्टर दिलीप जॉन जी हैं और म्यूजिक दिए हैं, बाकी गाने वाने सब अच्छे, हमारा जितना मेहनत था हम एक्शन के लिए अच्छा एक्शन दिया है, इसमें एक्टिंग भी किया है फिल्म का और पिक्चर जहाँ तक है बहुत अच्छी बनी है, इसमें काफी अलग रूप में आपने जा रहे हैं। हाँ हाँ, पहली बार मुझे और दाढ़ी मैंने निकाल दिया था इस फिल्म में, वो डायरेक्टर की मांग थी इसलिए मैंने निकाला था। आपके लिए जो आपके दाढ़ी मूंछ वाला है आपको ये अच्छा लगता है, वो किससे वाला फिल्म अच्छा है? अब पब्लिक को क्या अच्छा लगे और पब्लिक भी वो करेंगे, अभी आपने देखा आपको कितना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लग रहा था, आप अगले से कैसे नजर आएंगे? आगे से डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, अभी डाकू का कैरेक्टर कर रहे हैं इसलिए रख रहे हैं, अभी एक हिंदी पिक्चर है वही जा रहा हूँ तो उसमें कैरेक्टर डाकू का ही है, इसलिए डायरेक्टर को बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अपने उसमें है और प्रोड्यूसर बहुत बढ़िया है, और इसमें मैं बोलता हूँ प्रोड्यूसर अपने अच्छे हैं, किसी का भी एक चीज काम का पैसे के बारे में बोलो चाहे कुछ भी, बुला बुला के सबको दिए पैसे, बाकी किसी का वो टेंशन नहीं है और अच्छे लोग हैं सब। जी आपसे बात करें गीत संगीत को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं सुपर किंग डॉन फिल्म में मैंने टोटल 8 सॉन्ग किए हैं जो कि काफी अच्छे बने हैं और इसमें पूरा से देखा है तो दिलीप जी ने जो सॉन्ग सिलेक्शन किया बहुत ही अच्छा गाना बना और जो भी गाए मार्केट के सारे सिंगर हैं, पटना जी, किन्नू सोनाली, प्रियंका सिंह, अलका झा, आलोक कुमार, मोहन राठौर, सब लोग मतलब बड़े बड़े सिंगर से गवाया गया, गाना काफी अच्छा है। बाकी सब ठीक है, अच्छा है, पिक्चर अच्छी बनी है और हम लोग उतना ज्यादा मेहनत अच्छे किए हैं, जो है कि बहुत बहुत बधाई हो हमारे तरफ से और शुभकामनाएं हैं। बस मैं तो शुभकामनाएं दूंगी कि फिल्म में आपका नाम आपको राशनी राशनी